नमस्कार, आज हम दिल्ली के जंतर मंतर पर है, जहां कहां है नजीब को लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है और यहां कई हजार लोग पहुंचे हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहां हर तरफ लोग ही लोग दिख रहे हैं। हमारे साथ में सूरज कुमार बौद्ध है, जो बहुजन विचारधारा पर हमेशा लड़ाई लड़ते रहते हैं और हमेशा मीडिया में बने रहते हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या है ये सारा, ये सब क्यों चल रहा है, वर्तमान के हालात के ऊपर सूरज का क्या कहना है, क्या कहना है। सबसे पहले आपको जय भीम, शुक्रिया। देखिए, नसीब कहाँ है जो ये आंदोलन चल रहा है, दरअसल वो एक सवाल है। और इस बात के लिए सवाल है कि नसीब जो जुल्म जाति के खिलाफ लड़ाई लड़ता है उसको गायब क्यों कर दिया जाता है। नसीब के साथ में जो अत्याचारों की एक फहरिस्त है, चाहे वो तबरेज खान रहे हों, चाहे वो जुनैद रहे हों, चाहे वो रोहित मेमुला रहे हों, या जितने लोग जो शोषण के शिकार हुए हैं, वो लोग, उनके परिवार के लोग, उनके कौम के लोग या शोषित समाज के लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि शोषण क्यों हो रहा है। दरअसल नसीब कहाँ है, जब ये सवाल उठाया जाएगा तो ये सवाल सरकार से हम कर रहे हैं कि नसीब कहाँ है, क्योंकि जो अत्याचार किए जा रहे हो, हमारा मानना है कि जो भी जुर्म जाति की जा रही है, जो भी मॉब लिंचिंग की जा रही है, इट्स टोटली स्पेस स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम। ये सरकार करा रही है, उसकी ब्राह्मणवादी सोच करा रही है, उसकी जातिवादी सोच करा रही है। तो जातिवादी सोच के खिलाफ एक सवाल है कि नसीब कहाँ है, जहाँ पर आज जंतर मंतर पे हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं, जिसमें से एक अदना सा हिस्सा मैं भी हूँ। क्या लगता है आपको, जो वर्तमान में सरकार के हालात है, सरकार का जो रुख है वो माइनॉरिटी के एकदम विरोध में है, आपको क्या लगता है इसका, सरकार की क्या मंशा है? बिल्कुल माइनॉरिटी के विरोध में है, बिल्कुल बहुजन संकल्पना के विरोध में है। दरअसल उन्हें डर है कि माइनॉरिटी अगर SST OBC यूनिट के साथ जुड़ जाएंगे तो वो बहुजन बन जाएंगे तो उनकी सत्ता होगी। तो बहुजन को अल्पजन बनाए रखने की एक साजिश की जा रही है, यही वजह इसी साजिश के तहत तो कामयाब भी हो रहे हैं। और यही वजह है कि 3.5% का ब्राह्मण कहता है कि मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सच्चाई है कि अल्पसंख्यक वो है। तो ये अल्पसंख्यकों की जो नीति है वो दरअसल बहुजन संकल्पना को अल्पसंख्यक बनाए जाने की है, उसी के तहत में सारे काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी आंदोलन रुकेगी नहीं, हम लोग उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। बाबा साहब जैसा संविधान में, बाबा साहब जैसा अपने तमाम रचनाओं में लिखते हैं कि इस देश में जो लड़ाई है, इस देश का जो इतिहास है, ब्राह्मणवाद और बुद्धिज्म के बीच का है। तो वास्तव में ब्राह्मणवाद बनाम इंसानियत की एक लड़ाई चल रही है, जिसमें हम सब इंसानियत के पक्ष में खड़े हैं। आप क्यों पहुँचे हैं यहाँ पर? हम इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि नसीब हमारे समाज से थे, रोहित मेमुला हमारे समाज से थे, और समाज से ऊपर भी अगर हम बात करें तो जिनके साथ भी जुल्म ज्यादती होती है, हम लोग उसके पक्ष में खड़े होते हैं। चूंकि हम इंसान हैं और इंसानियत के पक्ष में खड़े होने के लिए यहाँ पर आए हैं, इससे अधिक और कोई वजह मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है। संविधान बनाम पुराण की लड़ाई है और हम लोग संविधान के पक्ष में हैं, और संविधान के पक्ष में आज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सूरज। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो बहुजन विचारधारा के लोग हैं, वो मानवतावाद को मानने वाले जो लोग हैं, वो सारे एक लोग हैं, उनके ऊपर लगातार हत्या अत्याचार होता जा रहा है। बने रहिए MNTV के साथ। धन्यवाद। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MNTV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।